उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नए अध्यक्ष के नामांकन के साथ ही साथ तस्वीर दिखाई दी जहां पर दोनों नेता साथ में दिख रहे थे। हमारे साथ में बात करने के लिए बीजेपी सहयोगी दल के नेता संजय निषाद जी हैं। संजय जी, आज तस्वीर हमने देखी, योगी जी ने अभिवादन किया अखिलेश यादव का, भी अखिलेश यादव भी आए, कैसे देख रहे हैं लोकतंत्र के लिए? लोकतंत्र एक इस देश के में पुनः भारत के संविधान को किस तरीके से जो विकास की मुख्यधारा में कोसों दूर हों उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके उसके लिए व्यवस्था प्रणाली है, जिसके लिए नई सरकार का गठन हुआ है। और नई सरकार का गठन चूँकि भाग्य विधानसभा में लिखा जाता है तो उसके उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें दोनों नेताओं को धन्यवाद देता हूँ और होना भी चाहिए, ये परम्परा रही है। और माननीय योगी आदित्यनाथ को और माननीय केंद्रीय और प्रदेश के दोनों नेतृत्व को मैं बधाई दूंगा कि हम जैसे लोगों को भी साथ में लिया और जितना शक्ति थी हम लोगों ने सहयोग किया। उम्मीद है आज हमारे भी 11 विधायक थे, आपके भी 11 विधायकों ने आज शपथ ली आज, उसमें से हमारे 6 विधायक भोजन भरी थाली से निषाद पार्टी के, निर्बल इंडियन सोशलिस्ट हमारा आम दल के थे। आज हमारे उस विधायक दलों में जो विधानसभा का विधानमंडल दल का नेता चुना अनिल त्रिपाठी को, और हमें भी आज मैं विधान परिषद का सदस्य था। और चूँकि माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा, अपनी टीम में उन्होंने हमें रखा और उस टीम में रहने के नाते आज विधानसभा में भी हमें एक तो पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, दूसरा मंत्री होने के नाते हमें अवसर मिला, मैं आज बहुत गौरवान्वित हूँ। अध्यक्ष के चुनाव का नामांकन भी आपने भी समर्थन दिया है, दूसरे दलों ने भी समर्थन दिया, हमने भी निषाद पार्टी ने भी और अपना दल ने भी और हम सारे दलों ने कई दलों ने आज सतीश महाना जी के लिए आज नामांकन में समर्थन दिया है। और कल होगा, उन्हें बधाई भी दिया हूँ मैं बुके देकर, और अच्छा रहा और एक अनुभवी व्यक्ति को दिया गया। और उम्मीद है कि ये जो विधानसभा है सभी सहयोगी दल विपक्ष भी इस जनता के हितों में सहयोग करेगी और विधानसभा को ठीक से चलाकर उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एक नंबर पर लाने के लिए सभी लोग काम करेंगे। जी, कुछ नई घटना को कैसे देखते हैं? सरकार ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं, एक मुस्लिम लड़के को पीट पीट कर मार दिया जाता है क्योंकि वो बीजेपी को वोट देने का समर्थन कर रहा था। देखो माननीय जो प्रशासन का जो काम है, शासन का काम है, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उस पर तत्काल कार्रवाई की। और ऐसे कोई भी संविधान के दायरे में रहकर ही किसी को न्याय और दिया जा सकता है, और इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। और इसी तरीके से हमेशा वो कार्यवाही करते रहते हैं और उसी की देन है कि उसके सुशासन पर जनता ने मुहर लगाई है। हम चाहते हैं इस बार और सुदृढ़ हो और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी जीते। सवाल ले रहा हूँ, एक सहयोगी के तौर पर हमने आपको देखा, बीजेपी ने अपने तमाम गठबंधन के नेताओं को साथ लिया है, लेकिन दूसरे खेमे में शिवपाल यादव नाराज चल रहे हैं, उनको बैठक में नहीं बुलाया गया, आपको लगता है इस्तेमाल किया गया क्या शिवपाल यादव? अब उनके बारे में क्या बोलूँ, उनके बारे में हम दूसरे पार्टी के बारे में क्या बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने को बहुत गौरवान्वित है कि जिस तरीके से कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था त्रेता में और एक इतिहास रचाया था, उसी तरीके से बड़ा भाई आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी है और हमारे जैसे लोगों को गले लगाया और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी इतिहास रच के दिखाया और पूर्ण बहुमत से। और ये जो गठबंधन है ये नेचुरल है, नेचुरल अलायंस है। कभी भगवान राम के कैबिनेट में निषाद राज आते थे, राम राज आए, तो ये राम राज लाने के लिए हम लोगों ने गले लगाया और पूरे देश में राम राज लाने के लिए काम किया। कैबिनेट मंत्री की शपथ तो ले ली, लेकिन विभाग कब मिलने जा रहे हैं? देखिए, सोच से सेवा होती है, सरकार से सेवा होती है, विभाग से सेवा नहीं होती। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसको निर्वहन करना। साफ तौर पर संजय निषाद बात करते हैं और सीधे तौर पर बीजेपी के सहयोग के साथ में लगातार खड़े होने की बात कर रहे हैं और कुशीनगर के मामले की निंदा भी की है। और अब इंतजार है विभाग ही नहीं सोच के साथ में सरकार के साथ काम करने की। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।